नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत से सॉसेस की रेसिपीज मैंने डाली हैं, आप सबने बेहद पसंद करी हैं। अब फिर लेकर आई हूँ मज़ेदार सी बिल्कुल मार्केट स्टाइल की शेजवान सॉस। शेजवान सॉस बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बिल्कुल बाजार स्टाइल की हम आज बनाने जा रहे हैं। इसको आप बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, सैंडविचेज में यूज़ कर सकते हो, फ्राइड राइस में, शेजवान राइस में यूज़ कर सकते हो, आप इससे नूडल्स में यूज़ कर सकते हो, किसी भी स्नैक्स में आप इसको ऐड कर सकते हो। बहुत ही यूज़फुल होती है ये बनाकर, इसको लंबे समय तक आप इसको एंजॉय कर सकते हो घर में, बिल्कुल मार्केट स्टाइल की। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। रोज के रोज मेरे न्यू वीडियोस देखने के लिए जाइए आप YouTube में, वहाँ पे लिखिए, टाइप करिए कुकिंग विद शालिनी, सब्सक्राइब का बटन आपको दिखेगा, उसको क्लिक कीजिए, इस तरह से दबाइए, साथ ही बेल आइकन है घंटा दबाइए इस तरह से, और ऑल को क्लिक कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और रोज की रोज आपको जो है मेरी नई से नई वीडियोस देखने को मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आपने मेरी फेसबुक पेज को अब तक फॉलो नहीं किया है तो जाइए फेसबुक पे कुकिंग विद शालिनी टाइप कीजिए और इस तरह से फॉलो कीजिए, और साथ में आपको मेरी जो है रेसिपीज देखने को मिलेगी, रील्स देखने को मिलेंगी, लेटेस्ट वीडियोज जो है जितनी भी सब आपको जो है यहाँ पर देखने मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मेरे कुछ लाल सूखी मिर्चें ली हैं, ये तकरीबन जो है 50 मिर्चों के करीब लाल सूखी मिर्च है, बाजार में आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल जाती है। तो इसका जो है हम पहले इस तरह से ये निकाल देंगे, डंडी को इस तरह से निकाल देना, तो सारी ये सूखी मिर्चों की जो डंडी है वो निकाल देंगे। कोशिश करें कि जब भी मिर्चें लें तो लाल वाली बिल्कुल रेड कलर की जो मिर्ची होती है ना, इस तरह से वो वाली लें। तो बिल्कुल इस तरह से हमने डंडियों को मिर्चों से अलग कर देना है, ये देखिए बहुत आसानी से ये निकल जाती हैं। सारी मिर्चों की जो डंडियाँ हैं वो हमने सब अलग कर लिया, इसको एक बार पानी से निकाल कर वॉश कर लेंगे। तो लीजिए हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया, जितनी मिट्टी थी इसके ऊपर निकल गई है। अब डालेंगे हम इसके ऊपर पानी, तो पानी हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, थोड़ा कोसा पानी जो होता है, पानी इसमें उतना डालना है कि अच्छे से जो है ये भीग जाए। तो लीजिए पानी इसमें हमने अच्छे से डाल दिया, इसको अच्छे से हमने डिप कर दिया पानी के अंदर, अब हम इसको भिगो कर रखेंगे तकरीबन एक घंटे के लिए। तो लीजिए ये एक घंटा हो गया इसको भीगे, और आप देख सकते हो ये जो हमारी मिर्चें हैं ये फूल चुकी हैं, इस तरह से हो जानी चाहिए। अब हम ले लेंगे मिक्सी का एक जार, और मिक्सी के जार में सारे मिर्चों को हम शिफ्ट कर देंगे। तो मिक्सी के जार में हमने सारी मिर्चों को डाल दिया, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे इसके अंदर, उतना ही डालेंगे जिसमें बस ये पेस्ट है, और इसकी जो है हमें चेक कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से अभी हमने पेस्ट बनाई, अभी हम इसको और पीसेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें डाल देंगे लाल देगी मिर्च। तो दो चम्मच मैंने जो है लाल देगी मिर्च इसमें ऐड कर दी, अब इसको हमने पीस लिया है, चेक कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सी ये पिस्का तैयार हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ पास से, और ये देखिए लग रही है ना बढ़िया कलर, कितना सुंदर आया इसका। तो ये पेस्ट तो हमारी हो गई। अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई, और गैस को हमने नीचे से कर दिया ऑन, और इसको अच्छे से कर लेंगे गरम। पैन को हमने जिस भी पैन में बना रहे हो, कढ़ाई में भी बना रहे हो, जिस भी आप बना रहे हो उसको अच्छे से गरम, तो अच्छे से ये गरम हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल आप अपने घर में यूज़ करते हो वो डाल लें, और हमने जो है आधा कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल देना है, इसको गर्म होने देते हैं। हमने लिया ये लहसुन, तो मैंने तीन गुच्छियाँ जो है लहसुन की लेकर उसको इस तरह से छील कर, तो फाइनली हमने इसको चॉप कर दिया, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। और कप देखा जाए तो ये आधा कप के करीब जो है हमने लहसुन डाला है, और इसके साथ ही एक इंच का टुकड़ा लेंगे अदरक का, वो भी इसमें डाल देंगे, उसको भी फाइनली चॉप कर लेना है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक ये हल्का कलर ना चेंज कर जाए, हमने इसको लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बहुत ही आसान है इसको बनाना, और आज जो हम शेजवान सॉस ये बना रहे हैं बिल्कुल बाजार जैसी शेजवान सॉस बनने वाली है, ये देखिए बहुत ही ईजी है बनाने। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और बहुत मेहनत के साथ जो है मैं आपके लिए वीडियो देख आती हूँ, एक लाइक तो बनता है। जब भी आप इसको बनाएं तो ध्यान रखिए आपको लगातार जो है इसको हिलाते रहना, आप इसको छोड़कर इधर उधर कहीं जा नहीं सकते, इसको लगातार जो है इस तरह से हिलाते रहिए, लहसुन नीचे नहीं रखना चाहिए, ये बिल्कुल जो है हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। और कभी भी ऐसा ना करें कि लहसुन को आप छील कर चॉप करके रख दें और आप कहें कि हम बाद में बना लेंगे, तो जब चॉप करें इसको उसी टाइम बना लें, इसकी जो फ्लेवर है कायम रहता है। तो लीजिए आप देख सकते हो कलर जो है इसका हल्का सा चेंज होने लगा है, हल्का ये गोल्डन ब्राउन होने लगा है, बस इस स्टेज पे जो हमने ये सॉस बनाई थी वो सारी सॉस जो है हम इसके अंदर कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। और इसी जार के अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/3 पानी हमने जार के अंदर जो है डाल दिया है, और इसको अच्छे से हिला लेते हैं, इसके साथ पानी डाल देंगे इसमें, और जो जार के अंदर लगा हुआ था वो भी सब इसके अंदर आ जाएगा। तो गैस को हम हल्का कर देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे ढककर इसको अच्छे। लीजिए आप देख सकते हो शेजवान सॉस जो है हमारी रेडी हो रही है, और हमने 10 से 12 मिनट के लिए हमने इसको जो है गैस पे इस तरह से हल्की फ्लेम में जो है पका लिया है, और आप देख सकते हो ऑयल जो है ऊपर आ गया है, इस स्टेज पे
हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच भरकर चीनी का। इसके साथ ही जाएगी इसमें थोड़ी सी सोया सॉस तकरीबन 2 चम्मच। इसके साथ जाएगी इसमें टमाटो केचप, टमाटो केचप हम इसमें तकरीबन 4 चम्मच के करीब डाल देंगे, 4 बड़े चम्मच। साथ में जाएगा इसके नमक, तो नमक इसमें जाएगा 1/2 चम्मच। इसके साथ हम इसमें डालेंगे एरोमेटिक पाउडर 1/3 स्पून के करीब और सब चीज़ों को मिला लेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसको बिल्कुल इसमें और बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी। और आप देख सकते हो इस तरह से ऑयल जो है ऊपर आना चाहिए, इसकी जो है शेल्फ लाइफ इससे बढ़ती है। ये बस इसको 1 मिनट के लिए वाटर कर लेंगे मीडियम। तो लीजिए आप देख सकते हो कि ऑयल जो है ऊपर आ गया इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से हमें परफेक्ट चाहिए। तो परफेक्ट हमारी ये बनकर रेडी हो गई है। गैस को बंद कर देते हैं। अब हम लेंगे कोई भी एक कंटेनर, इस तरह से ग्लास का कंटेनर लें तो हमारी शेजवान सॉस जो है लंबे समय तक ठीक रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे इसके अंदर। ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसका कलर आया है। ये देख सकते हैं आप क्या रंगत है इसकी, बाजार से भी बढ़िया जो हमारी शेजवान सॉस घर में बनाकर हमने लीजिए। बिल्कुल बाजार जैसी शेजवान सॉस हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हो क्या बढ़िया लग रही है इसकी रंगत, इसका टेक्सचर बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि बाजार से हम खरीदते हैं। तो होता है तो इसको इसी तरह से एक कंटेनर में भरकर रखें और लंबे समय तक आप देखोगे कि आपकी जो ये शेजवान सॉस है बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। इसको ठंडी करने के बाद इसको इस तरह से बंद करके आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हो, तो इसकी शेल्फ लाइफ जो है और इंक्रीज हो जाएगी। एरोमेटिक पाउडर हमने इसमें डाला है, आप नहीं डालना चाहते हो तभी ये बहुत बढ़िया बनेगी। इसको इसी तरह से ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक का बटन दबाइए, शेयर करिए और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। धन्यवाद।